नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं प्रेम सोम प्लेन। दोस्तों, आज हम अलग एक सॉफ्टवेयर से ये घर का नक्शा शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, जो स्वीट होम 3D से हम हर रोज बनाते थे, आज हम स्केचअप की मदद से आप सभी के साथ ये डिजाइन शेयर कर रहे हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर जो कि आसाम से बिलोंग करते हैं, उन्हीं के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने इस मॉडल को तैयार किया हुआ है। और इसका जो ऊपर का जो रूफिंग है दोस्तों, वो टीन शेड का आएगा। आसाम टाइप पर ये घर है, आप देख सकते हैं। और आपको डिटेल्स में समझाने के लिए ही मैं आज इस सॉफ्टवेयर के जरिए आप सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर रहा हूँ। और इस घर को हमने दोस्तों बनाया हुआ है 38 फीट लंबाई में और चौड़ाई में 24 फीट फ्रंट साइड की। और यहाँ से लेकर इस जगह से लेकर आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक है आपका 24 फीट। और ऐसे में जो लंबाई है दोस्तों, वे आएगा आपका, ऐसे में लंबाई जो आएगा वह आएगा 38 फीट के अंदर। और इस साइड की ओर भी आपको एक दरवाजा देखने को मिलेगा बाहर निकलने के लिए। यहाँ पर आपको इस साइड की ओर 3 विंडो देखने को मिल रहा होगा। बैक साइड की ओर आपको 2 विंडो आपको देखने को मिल रहा होगा। विंडो जो है दोस्तों, वे हमने वुड का यूज किया हुआ है, आप अच्छे से इस जगह पे देख पा रहे होंगे। इधर की ओर आपको कॉर्नर पर एक विंडो और इधर की ओर हमने कॉमन एक टॉयलेट बाथरूम डिजाइन किया हुआ है, जो आसाम नॉर्थ ईस्ट गाँव में जैसे सेपरेट करके किया जाता है, इसी प्रकार से घर से बाहर निकाल कर हमने एक स्लैब देकर ऊपर इसका जो के ऊपर हमने स्लैब यानी छत देकर कुछ इस प्रकार से कॉमन एक टॉयलेट बाथरूम भी डिजाइन किया हुआ है। और ऊपर आपका इसका रूफिंग जो दोस्तों टिन शेड आएगा, लेकिन बाहर से जब आप दिखेंगे तो आपको टिन शेड नजर नहीं आएगा, कुछ इस प्रकार का डिजाइन लुक आपको देखने को मिलेगा। तो डिटेल्स में समझाने के लिए मैं इस सॉफ्टवेयर का यूज कर रहा हूँ, तो मैं आपको और अच्छे से दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो विंडो देख रहे होंगे, विंडो का जो छज्जा है स्लैब स्लैब को हमने 1 फीट फ्रंट साइड की ओर बढ़ाया हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर ऐसे 2 इंच का बीट रखकर कुछ इस प्रकार से हमने प्लास्टर कार्ड पर डिजाइन को बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आप भी बना पाएंगे। और ऊपर आप देख सकते हैं जो टीन सेट का रूफिंग का जो स्लैब है, कुछ इस प्रकार से हमने मेन स्लैब जो है दोस्तों, ये कलर देख रहे होंगे येलो ग्रीन ब्लू रेड पर ये कलर रहेगा, लेकिन ये जो स्लैब आप देख रहे होंगे, इस स्लैब को भी हमने ऐसे साइड पर 1.5 फीट फ्रंट साइड की ओर निकाला हुआ है। फिर 2 इंच का स्लैब और 2 इंच बढ़ाकर निकाला हुआ है। फिर ऐसे टाइल्स की मदद से 8 इंच हाइट तक, आपका ऐसे 8 इंच हाइट तक स्लोप रूप पर हमने डिजाइन को बनाया हुआ है। और उसके बाद इसके ऊपर का जो रूफिंग है टिन शेड से किया हुआ है। जब टिन शेड का पानी जो है दोस्तों, यहाँ पर अंदर से ये जो स्लैब है, इस स्लैब में ड्रेन जैसा होगा और इसी स्लैब से आप पाइप सेट करके बाहर की ओर निकल पाएंगे। तो यहाँ पर से आप जब देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको एक बारंदा हमने डिजाइन किया हुआ है, ये स्टील का रेलिंग का यूज किया हुआ है, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आप रेलिंग का यूज कर पाएंगे। यहाँ पर यहाँ से एक स्टेप रहेगा, यहाँ से भी आप एंट्री कर पाएंगे और इस साइड की ओर से भी आप एंट्री कर पाएंगे। यहाँ से आप अपना बाइक वगैरह भी यहाँ पर लेके बारंदा में रख पाएंगे। तो आपको मैं ले चलता हूं इस घर के अंदर की ओर। तो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं अंदर की ओर। मैं अभी रूफ जो है वो हटा के आपको दिखा देता हूं। और यहां पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको बारामदा मिल जाएगा। बारामदा का जो साइज है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हमने डिजाइन किया हुआ है बारामदा को। बारामदा का साइज है 12 फीट बाय 8 फीट के अंदर। और इसी बारामदा से इस साइड की ओर से एक एंट्री आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये वाला जो एंट्री है, इससे जब जाएंगे दोस्तों एंट्री करके आप अंदर की ओर, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये रूम पर पहुंचेंगे। आपका एक ड्राइंग रूम रहेगा 12 फीट बाय 13 फीट के अंदर। और आपको मैं इसका जो जो शेडो है वो मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूं, कुछ इस प्रकार से शेडो को यहाँ पर आपका रहेगा एक ड्राइंग रूम। जब आप इस बारामदा से इस डोर से एंट्री करके आएंगे, तो ये ड्राइंग रूम रहेगा 12 फीट बाय 13 फीट के अंदर। फिर इसी ड्राइंग रूम से इस साइड की ओर आपको यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर एक डोर रहेगा। इस डोर से जब एंट्री करके जाएंगे दोस्तों, तो आप यहाँ पर पहुंचेंगे, ये रहेगा आपका एक पहला बेडरूम जिसका साइज रहेगा 12 फीट बाय 13 फीट के अंदर। फिर यहाँ से आपको एक कॉरिडोर यानी कि रास्ता टाइप का रहेगा, जिस पर जाने के लिए हमने आर्च कटिंग पर ओपनिंग रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से ये रास्ता से होते हुए जब आप अंदर की ओर जाएंगे दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर जब जाएंगे, ये 4 फीट चौड़ाई पर रहेगा रास्ता 4 बाय 8 के अंदर। फिर यहीं से आपको इस साइड की ओर कुछ इस प्रकार से एक आर्च कटिंग पर हमने डिजाइन रखा हुआ है, ओपनिंग रखा हुआ है, इससे जाएंगे तो ये जो रूम आप देख रहे होंगे, इस रूम को हमने पूजा रूम के लिए यूज किया हुआ है। 8 फीट बाय 8 फीट के अंदर हमने रूम को बनाया हुआ है। फिर बैक साइड की ओर आप यहाँ पर फिर हमने एक आर्च रखा हुआ है। इसी आर्च ओपनिंग से आप जब बैक साइड की ओर जाते हैं, तो यहाँ पर आपको एक कॉरिडोर यानी कि पैसेज रास्ता टाइप का दिखेगा, जिस रास्ता की मदद से आप यहाँ पर देख सकते हैं इस साइड की ओर से। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये डुअर से होकर आप बाहर की ओर निकल पाएंगे। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था आपको, ये वाला डुअर जो देख रहे होंगे यहाँ से रहेगा, इस डोर से आप बाहर निकल पाएंगे। फिर ये जो कॉरिडोर है, इसी कॉरिडोर से आपको बैक साइड की ओर देख रहे होंगे, यहाँ पर एक डोर और यहाँ पर एक डोर देखने को मिलेगा। जिस दोनों डोर से जाएंगे तो ये दोनों बेडरूम पर पहुंचेंगे। ये जो रूम हमने डिजाइन किया हुआ है, किचन और डाइनिंग एक साथ इस रूम पे सेम साइज रहेगा, 12 फीट बाय 13 फीट का आएगा। 12 बाय 13 के अंदर हमने किचन और डाइनिंग एक साथ यहाँ पर डिजाइन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। किचन का स्लैब वगैरह हमने यहाँ पर बनाया हुआ है।
फिर इधर की ओर आपको एक 12 बाई 13 फीट का बेडरूम देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ से रहेगा डुअर। और ये जो कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर की मदद से आप यहाँ से जब जाएंगे इस साइड की ओर, तो यहाँ से जो डुअर देख रहे होंगे, यहाँ पर हमने डुअर ऐड नहीं किया, आप चाहे तो डुअर ऐड कर पाएंगे। यहाँ से एंट्री करने के बाद आप इस साइड की ओर जो टॉयलेट बाथरूम है, यहाँ पर पहुंचेंगे। 9 फीट बाई 11 फीट के अंदर हमने टॉयलेट बाथरूम को बनाया हुआ है, काफी बड़ा बनाया हुआ है, क्योंकि उनको सेपरेट करके, अंदर से सेपरेट करके बाथरूम सेपरेट करके एक इंडियन टॉयलेट बनाना था, तो इसी कारण हमने एक 9 बाई 11 फीट का यहाँ पर इस साइड की ओर टॉयलेट बाथरूम बनाया हुआ है। और 8 फीट हाइट पर हमने इसका स्लैब जो है ऊपर छत इसको दिया हुआ है, ताकि इसके ऊपर आप पानी का टैंक वगैरह भी रख पाए। तो दोस्तों मैं अभी ये डिजाइन तो आपने देख ही लिया, तो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेम्स होम प्लान।